टीएसटी न्यूज लाइव हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पे। आज 20 सितंबर को महाराजगंज जनपद के सीसवा बाजार विकासखंड अंतर्गत रुद्रपुर ग्राम सभा में सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी ने पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के पुण्यतिथि के रूप में सहभोज कार्यक्रम संपन्न किया। जिला अध्यक्ष नरसिंह पांडे ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी सामाजिक समरसता एवं हिंदुत्व की भावना बनाए रखने हेतु हमेशा प्रत्येक गांव में सहभोज का कार्यक्रम करता रहता है। सहभोज कार्यक्रम के दौरान जाति पाति का अंतर भेद भावना रखते हुए एवं समस्त लोगों के साथ बैठकर भोजन किया जाता है, जिससे हम सबके बीच में अपनत्व की भावना जागृत होती है। सहभोज कार्यक्रम के बाद सिसवा विकासखंड के सब्या ढाला प्राथमिक विद्यालय में उज्ज्वला दिवस के तहत ग्रामीणों को गैस वितरण किया गया एवं सरकार के लाभों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। हिंदू युवा वाहिनी जिला प्रभारी शेष विजय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास का वादा की है, जो आज साकार होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीण हेमंचली देवी, संजू देवी, पनमती देवी, शांति देवी, रामावती देवी, किशोरी देवी, आशा देवी, सुनीता देवी, वीरजा देवी, कमची देवी, रंभावती देवी, चिनका देवी आदि महिलाओं को कम खर्च व मेहनत तथा धुआं धक्कड़ से बचने हेतु गैस कनेक्शन कर वितरण किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरसिंह पांडे, जिला प्रभारी शेष विजय सिंह, जिला मंत्री मनीष शर्मा, जिला महामंत्री कृष्ण बिहारी, जिला संयोजक सतीश सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, सदर नगर संयोजक आकाश श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह जोगिया, कुटी महंत श्री बालक दास जी महाराज, सिसवा ब्लॉक अध्यक्ष शेषमणि आदि लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से हमारे संवाददाता अभिमन्यु चौरसिया की रिपोर्ट। ऐसे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।